हेलो मेरे प्यार प्यारे बच्चों, आई एम विक्की चौधरी फ्रॉम देव दीन बंधु सीनियर सेकेंडरी स्कूल दौताना। और ये चैप्टर क्लास सेवन्थ के लिए है और मैं साइंस स्टार्ट करा रहा हूँ आज आपको रिवीजन के लिए। और चैप्टर नंबर फर्स्ट से, चैप्टर नंबर फर्स्ट कौन सा है आपका? न्यूट्रिशन एंड प्लांट, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पौधों में पोषण। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं ये होता क्या है, ठीक है। बुक निकाल लें सभी बच्चे अपनी, और इसमें हम थोड़ा सा जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दें। इसमें लिखा हुआ है, वी नो दैट फूड इज वन ऑफ द बेसिस रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑल द लिविंग बीइंग्स टू स्टे अलाइव। यानी कि हम अच्छे तरह से जानते हैं कि भोजन सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत आवश्यक है जीने के लिए। इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर ऑल आवर एक्टिविटीज एंड कैरीज आउट ऑल द लाइफ फंक्शंस। यानी कि ये हमारी एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। समझ में आ गया होगा सभी की में। उसके बाद अब हमें आगे क्या कह रहा है कि ऑल द ह्यूमन बीइंग्स नीड ए बैलेंस्ड डाइट टू स्टे हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग। यानि कि सभी ह्यूमन बीइंग्स को एक वेलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। क्यों होती है वेलेंस डाइट की ज़रूरत? ताकि वो स्ट्रॉन्ग रहे, हेल्थी रहे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम जो आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे न्यूट्रिशन। क्या पढ़ाएंगे? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं हम पोषण। क्या बोलते हैं इसको? पोषण, ठीक है। पहले नॉर्मली बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूट्रिशन होता क्या है। जो भी हम भोजन खाते हैं, जैसा भी हम भोजन खाते हैं, भोजन खाने के बाद हमें जो एनर्जी मिलती है, ठीक है, वो सब न्यूट्रिशन के अंदर आता है। समझ में आ गया? जो भोजन खाया, डाइजेस्ट हो गया, फिर वो आपका न्यूट्रिशन क्रिएट करता है। न्यूट्रिशन है पोषण, खाया पिया पच गया और शरीर को एनर्जी मिल गई, वो सब न्यूट्रिशन में आ गया, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिशन में आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानि कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानि कि बहुत से अन्य जो आपके ऑर्गेनिज्म हैं, जीव हैं, वो न्यूट्रिशन के बहुत प्रकार के हिस्से रखते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमंस डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स एंड प्लांट देयर फूड। यानि कि एनिमल और ह्यूमंस पौधे और जंतुओं पर डिपेंड रहते हैं। यानि कि प्लांट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ऑन फूड। यानि जो प्लांट होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैं इसके मोड पे चलूँगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानि कि ये कितने प्रकार के होते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन? ये होता है आपका दो टाइप का। कितने टाइप का? दो टाइप का। एक होता है तुम्हारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है तुम्हारा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और देखो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आपको नॉर्मली बता दूं, पहले ऑटो, ऑटो मतलब कि सेल, ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल, ठीक है। और ट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? नोरिशमेंट। क्या होता है? नोरिशमेंट। यानि कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानि कि जो प्लांट्स अपने फूड को स्वयं क्रिएट करते हैं या स्वयं बना लेते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर आता है, ठीक है। और जैसे कि सबसे जो पहली चीज़ है, इसमें आते हैं आपके ग्रीन प्लांट, ठीक है। क्या आते हैं? ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट, ठीक है। आपने एक प्रक्रिया पढ़ी होगी सिक्स क्लास में भी, फोटोसिंथेसिस वाली, जो ग्रीन प्लांट होते हैं, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया जो होती है, प्रोसेस जो होती है, उसकी सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है।
और जैसे कि मैं नॉर्मली बता दूं, ग्रीन प्लांट मेक्स देयर ऑन फूड बाय ए नॉन प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, यानी कि हरे जो पेड़ पौधे होते हैं अपना जो भोजन बनाते हैं वो इस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, आगे इसके बाद जब ये ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है ये अपने भोजन को जब बनाने के लिए तैयार होते हैं तो इनको नॉर्मली हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो देव दो चीज़ कौन कौन सी होती हैं, एक सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है पिगमेंट। जो पिगमेंट होती है ये आपके लीव्स पर होती है और पिगमेंट के कारण ही क्लोरोफिल क्रिएट होता है और क्लोरोफिल क्रिएट होता है तो आपके जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन हो जाती हैं और ग्रीन होने के बाद वो अपना भोजन स्वयं क्रिएट कर लेती हैं। समझ में आ गया होगा सभी की में। आफ्टर दैट जो नॉर्मली जो आपकी जो डेफिनेशन है मैं इसको बता रहा हूँ आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन कैसे बोलनी है आपको, दे प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, यानी कि ये अपना भोजन जो बनाते हैं ग्रीन पिगमेंट की सहायता से बनाते हैं और ग्रीन पिगमेंट की सहायता से भोजन बनाया उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं और जो कि पत्तियों पर प्रेजेंट होता है और इसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। समझ में आ गया, या एक बार मैं आपको और डिफाइन कर देता हूँ हिंदी में, यानी कि ये अपना जो भोजन बनाते हैं पिगमेंट की उपस्थिति में बनाते हैं, पिगमेंट जब उपस्थित रहेगा तो क्लोरोफिल होगा और क्लोरोफिल अगर उपस्थित हुआ तो आपका ये भोजन क्रिएट कर लेंगे अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। समझ में आया, क्लोरोफिल ही आपके पत्तियों को हरा रखता है अदरवाइज कोई नहीं, जिसकी ये पूरी जो प्रोसेस होती है क्लोरोफिल तक की जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का पूरा मैटर मैंने आपको समझाया है, ये यहाँ तक आपको अपनी रफ कॉपी में क्लियर कर लेना है और करने के बाद आपको ये स्कूल के नंबर पर फॉरवर्ड कर देना है और वर्ड मीनिंग भी हम आपको इसके नीचे लिख के भेज देंगे। ठीक है, थैंक यू।